लव दो टाइप के होते हैं। एक होता है लव एट फर्स्ट साइट, जो गलती से होता है। वो तुम जैसे नॉर्मल लोगों के साथ होता है, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं ना। मुझ जैसे लोगों के लिए दूसरा ऑप्शन है, लव एट लास्ट साइट। लव एट लास्ट साइट? हाँ, लास्ट साइट। हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, इसलिए आराम से सोच समझ कर फैसले लेते हैं, जांच परख कर किसी को हाँ करते हैं। अगर प्यार नहीं है तो भी हाँ कर दोगी? पार्वती, इंडिया में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को छोड़कर यहाँ पढ़ाई करना किसे पसंद है? फिर भी हम करते हैं ना। हमें फिल्म के सारे हीरोज पसंद नहीं आते हैं, फिर भी उनकी फिल्में देखते हैं ना। लाइफ भी कुछ ऐसी है। और अगर तुम्हें लव एट फर्स्ट साइट हो गया तो? मुझे कोई चांस ही नहीं है। पहली ही मीटिंग में मुझे इम्प्रेस कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। उससे मेरी तरह सोचना होगा, मेरी तरह बात करनी होगी। ऐसा कोई यहाँ तो नहीं मिलने वाला। मिल गया तो? सुनने में तो अच्छा लगता है। एक बार के लिए मैं अपना गुस्सा, ईगो, एटीट्यूड छोड़ दूंगी और उससे हाँ करवाने के लिए उसके पीछे पड़ जाऊंगी। पहले तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मरने की धमकी देने वाला कभी सुसाइड नहीं करेगा। सिर्फ आई लव यू कहना अलग बात है, निभाना एकदम अलग। समझी? सो चिल, कम ऑन, लेट्स गो पार्टी इन पीसा। रेडी? क्लिक करो। मेरी मम्मी को भी मेरी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। इस फोटो को तो मैं घर में फ्रेम करवा के रखने वाली हूँ, ताकि लड़के देखकर भाग जाए। थोड़ा सा लेफ्ट। हेलो, आई लव यू। व्हाट? व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग? दिल की खुली में कोई और है? अगर नहीं भी होता तो तुम्हें कभी नहीं आने देती। हलवा है क्या? सुनो फुलझड़ी, तुम अगर जल्दी से हाँ नहीं बोलोगी ना, तो पीछे जो पटाखा बॉम्ब खड़ी है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम चाहती हो तुम्हारी फ्रेंड का काम तमाम हो जाए? नहीं ना, तो बोलो मैं तुम्हें पसंद हूँ। तुम्हारे या मेरे पसंद करने से कुछ नहीं हो सकता। 3 साल से एक लड़का मेरे पीछे पड़ा है। पीछे ही पड़ा है ना, कुछ किया? मैं चाहती हूँ कुछ दिन और वो मेरा इंतजार करे। काय को? ताकि मैं उसे अच्छे से जान सकूं। साले का बोझ हल्का कैसे होगा? सुनो, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी जेब कितनी गर्म है ये नहीं देखा करते, उसका दिल कितना नरम है ये देखते हैं। खैर, तुम मेरे साथ ही चलो, मेरे इरादे चट्टान से भी कड़क है। नो 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 नो, एक्चुअली आई लाइक हिम। अच्छा, बाहर आ जा मजनू। क्या हुआ? मेरा सिम रिजेक्ट करिए, तेरी लाइन क्लियर है। क्या ये मान गई? मेरा बापू कितना कंजूस है, फोन ही नहीं करता। एक बार फोन करे तो रिश्ते की बात कर लूंगा, फिर हम दोनों हनीमून पे। टिडिंग। हेलो, ए हेलो, कहाँ है वो? आता ही होगा, फोन करो उसे। खुद ही कर लो। उंगलियाँ बहुत नरम है तुम्हारी, मुझे नरम चीजें बहुत पसंद है। बचपन से। क्या बंधु, फैमिली प्लानिंग चल रही है? क्या कहा मम्मी? 200 लड़के, सबके सब मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैं क्या कर सकती हूँ मम्मी? मैं खूबसूरत हूँ तो मेरा क्या कसूर? पता नहीं और कितने मेरे पीछे पागल होंगे। ये सब कुछ तो होना ही था ना। शादी के लिए लाइन लगी हुई है। हाँ बापू। सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। नहीं, सोता ही कहूँ, सारी रात पढ़ाई है, सुबह उठ के पूजा पाठ। इतना क्यों हंस रहे हो तुम? मैं नाटक कर रही थी, लेकिन लड़के सच में मेरे दीवाने हैं। प्रेमी के बापू ने सही टाइम पर घंटी मारी, वरना मेरा पोपट हो जाता। हाँ, गोरी है। ये तो पागल प्रेमी है। क्या है? हटो। तू फिर आ गया? ए टिंगू, आंटी किधर है? मुझे क्या पता, जाके ढूंढ ले। बताता है या फिर? जेब में तो आएगी नहीं, शायद छत पे होगी। तुम्हारा पति फिर तुम पे अत्याचार कर रहा है? कपड़े सुखाने ऊपर भेज दिया। शैतान कहीं का, छोड़ मुझे। आज अचानक कैसे? मुझसे शादी कब करोगी आंटी? कितने चक्कर लगवाओगी? सचमुच? क्या तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? आंटी, 20 साल पहले पैदा हुआ होता ना तो जरूर आपसे ही शादी करता। फिलहाल मुझे आपकी बेटी से काम चलाना पड़ेगा। क्या?
अब इतना भी नाटक मत करो, अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो। किसने कहा कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें दूंगी? ये क्या आंटी, दिल तोड़ने वाली बात कर रही हो प्लीज आंटी? अरे रे, ऐसा मत करो प्लीज। ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ, लेकिन मेरा क्या फायदा है? फायदा है ना, अरे आप ही के लिए तो संध्या से शादी कर रहा हूँ। मैं रात दिन यही सोचता रहता हूँ कि आंटी को कितना काम करना पड़ता है। उस टिंगू को तो आपकी कुछ पड़ी नहीं है कि आप खुश हैं दुखी हैं, मुझे इस बात की टेंशन है। इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं आपका दामाद बन जाऊं, फिर मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगा। हाँ, और संध्या का ख्याल भी रख ही लूंगा। क्या आपने कभी सोचा है हमारे जब बच्चे होंगे तो आप ही को नानी कहेंगे? सोचिए, आप उन्हें नहलाएंगी धुलाएंगी, उनके कपड़े धोएंगी जब वो सुसु करेंगे, सारा फायदा घर बैठे मिलेगा। तुम संध्या संध्या की रट लगा रहे हो और वो शादी के नाम से कोसों दूर भागती है। अरे उसके भागने से क्या होता है, आप बात तो कीजिए। क्या तुम सचमुच संध्या से इतना प्यार करते हो? संध्या के बिना तो मैं जी भी नहीं सकता। पागल, बस कुछ सेटिंग करती हूँ, मेरी तरफ से डील पक्की। जय हो, आप बहुत अच्छी है। वक्त पर खाया करो जिससे पेट खराब नहीं होगा। ये टैक्सी कहाँ रह गई, फ्लाइट मिस हो जाएगी। मैंने टैक्सी कैंसिल कर दी है। पागल हो गए हो क्या, मेरी फ्लाइट? पागल तो तुम हो गई हो, बिना कुछ बोले प्यार का इजहार करने की कोशिश कर रही हो। अकल दौड़ाओ, कार्तिक भी उसी फ्लाइट से जा रहा है ना, दोनों साथ में जाओगे। जस्ट इमेजिन, दोनों पास वाली सीट पे, कार्तिक के हाथों में हाथ, फिर तो बन जाएगी बात। आसमान में स्पीड ब्रेकर है, प्लेन उछलेगा, फिर तुम उसकी गोद में। थैंक यू यार, तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। आई लव यू ब्रदर। हाँ रेडी बोल। एक छोटा सा काम था। तू अपना शटर मत खोल, मुझे गैस करने दे। देसी बापू के लिए विदेशी बोतल। बापू ने पीनी छोड़ दी है, तू संध्या को साथ लेके जाना, वो भी उसी फ्लाइट से जा रही है। जवान कमसिन लड़की की दुआ लगेगी तो तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। अरे वो लड़की साथ रही तो और पाप करने का दिल करेगा। नहीं मैं कह रहा था कि अबे प्लेन टेक ऑफ करेगा, वो मुझ पे लैंड करेगी। यार ऐसा मत कर, उसे प्लेन में डर लगता है। हो जा मत बड़ा। प्लीज एक अकेली लड़की को। क्या ये सब, हाँ तुम उसके सामने इतना प्लीज प्लीज क्यों कर रहे हो? मेरे साथ ट्रैवल करने वाले का एक क्लास होना चाहिए, अब वो आएगा तो भी मैं नहीं जाऊंगी। अरे आ गया, खड़े क्या हो, लगेज डालो ना। अब तो साकार होंगे सपने। मिस यू ब्रदर। मी टू। ओए रक्षाबंधन, क्या भाई दूज भी आज ही मनाएगा? वो बैग में वजन ज्यादा है। कार्तिक के बारे में एक खास बात बता। मैं किसी लड़के का बायोडेटा पढ़कर उसके प्यार में पड़ने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ। हाँ लेकिन बात तो सुन। शट अप, वो मेरे बारे में कुछ पूछे तो बता देना। और एक और बात, अपना सेल फोन फुल्ली चार्ज रखना, हैदराबाद लैंड करते ही तुरंत तुम्हें फोन करेगा। संध्या की बहुत याद आ रही है, संध्या के बिना सो नहीं सकता, संध्या के बिना खा नहीं सकता, संध्या के बिना जी नहीं सकता। संध्या का नंबर दे दो, संध्या का एड्रेस दे दो, संध्या 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 संध्या। मेरे बारे में जानने के लिए तुमसे फोन पे मिन्नतें करेगा, गिड़गिड़ाएगा। इट्स माय चैलेंज। तुम उसके बारे में जानती नहीं हो। तुम गेट लॉस्ट। मुझे अपने बचपन के कुछ किस्से सुनाओ ना, तुम्हें देख के लगता है कि तुमने खूब गिल्ली डंडा खेला होगा। मैं सिर्फ गोल्फ जैसे हाई क्लास स्पोर्ट्स खेलती थी। पर शक्ल से कबड्डी प्लेयर लगती हो। हाई लेवल बातें तुम नहीं समझोगे, ड्राइव करो। तुम पेट से हो क्या? What do you mean? मेरी शादी नहीं हुई अब तक। अब वो लगेज में बहुत सारे डायपर है ना, इसलिए पूछा। वो मेरे भाई के बच्चों के लिए है, हमारी जॉइंट फैमिली है। बुआ ऑन ड्यूटी, और कुछ बताओ ना ब्यूटी। मॉम डैड ने मेरे लिए एक रिश्ता ढूंढा है। वाओ, शादी करने जा रही हूँ। कॉन्ग्रेट्स, अपनी शादी का फालूदा इस नाचिस को भी पिलाना। मेरी शादी के बाद से ये तो बहुत खुश हो गया। ये तो मैं उठा लेता हूँ। नो थैंक्स, मैं अपना लगेज खुद मैनेज कर सकती हूँ। हेलो, इस तरह घूरने की कोई जरूरत नहीं है, हर बात में डबल मीनिंग मत निकालो। मैं इस लगेज की बात कर रही थी। पासपोर्ट प्लीज। व्हाट्स योर नेम? नेम प्लीज। पारुपली राजा वेंकट विजय सत्यदुर्गा कामेश्वरी विजय लक्ष्मी कामिनी संध्या कुमारी। अरे बाप रे,
मेरा मतलब है अगर नाम का ये साइज है तो सरनेम का क्या साइज होगा? हंसने की जरूरत नहीं है, ये नाम मेरी दादी ने दिया है, मुझे गुस्सा आ जाएगा। थैंक यू। यू वेलकम। पासपोर्ट प्लीज। ये लीजिए। कितनी मतलब ही हो, एयरपोर्ट तक तुम्हें लिफ्ट दी, कॉफी नहीं पिलाओगी? नो थैंक यू। मैं जानता था तुम जेब से कड़की हो। एक मिनट रुको, मैं दो कप लेकर आता हूँ। हाँ रवि, मैंने अपना गेम शुरू कर दिया है। देखने लायक हालत हो गई है बेचारे की। मैं लगेज उठा लेता हूँ, लाइन में लग जाता हूँ। तुम कॉफी पीना पसंद करोगी या चाय लेकर आऊँ? एकदम दीवाना बन गया है मेरा। मैंने पहले हैदराबाद कहा था, लेकिन अब सोच रही हूँ कि उससे पहले दुबई में ही उसे अपना गुलाम बना लूं। अच्छा, तुम्हारे जीजू आ रहे हैं, बाद में बात करते हैं। बाय। ये लो कॉफी, एक्स्ट्रा शुगर है। जब रवि ने मुझे लिफ्ट देने के लिए रिक्वेस्ट किया तो इतना भाव क्यों खा रहे थे? हाँ, मैं ऐसी वैसी हूँ क्या? नॉट एट ऑल, तुम तो बहुत ही स्पेशल इंसान हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें किस तरह सॉरी कहूँ? कोई मुझे अवॉइड करे या इग्नोर करे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। ओ, किसी सुंदर लड़की का दिल दुखाने का पाप किया है मैंने? दिस इज फॉर यू। डिजाइनर शॉप में लटक रही थी, खूबसूरत हाथ पर जब ये सजेगी तो और सुंदर लगेगी। कुछ खास चीजें सिर्फ खास लोगों के लिए बनती हैं। प्लीज देखो, अगर तुम मना करोगी तो मैं हर्ट हो जाऊंगा। हम लेट हो रहे हैं, कॉफी पूरी करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ओके, संध्या, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।